आला उदल की कहानी के एपिसोड 103 में आप सभी विद्वान श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, ये कहानी वास्तविक और ऐतिहासिक है। ये एक राजाओं की हिस्ट्रिकल कहानी है और बड़ी ही रोचक भी है, और जो भारतीय इतिहास के उस तथ्य को भी उजागर करती है कि प्राचीन भारतीय राजा कितने बलशाली थे, कैसी युद्ध कौशल की विद्या थी और किस तरीके से उनका राज्य का संचालन होता था। ये सभी जानकारियां आपको इन प्राचीन हिस्ट्रिकल वीडियोज से मिलती है। इन ऐतिहासिक वीडियोज में आपका स्वागत करता हूं और आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ता हूं जहां पहले दिन की लड़ाई आला उदलों की सेना की बानरों से होती है। बंदर थे एक वन क्षेत्र में, बड़े विशाल शरीर वाले बानर थे, बड़े बड़े तगड़े शरीर वाले गोरिल्ला प्रजाति के। और जब पहले दिन महोबे की सेना उन बानरों से नहीं जीत पाई, बानरों को मारा जितनी संख्या में मार सके थे, लेकिन उससे अधिक संख्या में बानर पुनः एकत्र हो गए और दूसरे दिन फिर प्रयास किया उस वन क्षेत्र को पार करने के लिए, लेकिन बानरों की कमी नहीं थी। एक से बड़ा एक बानर, छोटे से लेकर के बड़े शरीर वाले तक बंदर उस क्षेत्र को कवर किए हुए थे। विचार करने लगे वीर आला, उदल को बुलाया, मलखान को बुलाया, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को बुलाया और उनसे कहा कि इस वन क्षेत्र को पार करने का कोई सीधा सा उपाय, हमने अब तक पहले दिन के युद्ध में और दूसरे दिन के युद्ध में बहुत से बंदरों को मार डाला, परंतु ये बंदर इस तरीके से नहीं भगेंगे, इसके लिए हमें कोई उपाय सोचना होगा। ये बात सुनकर के महोबा के सभी वीर मन में सोच करके चुप हो जाते हैं कि इसका उपाय क्या होगा, इसका कोई दूसरा तरीका क्या होगा। तो वो फिर इस समस्या में वहां सेना को रोक देते हैं, लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा है। आला कहने लगे कि जो हमने ये कनात, क्योंकि पानी में से निकलने के लिए उन्होंने जाली की व्यवस्था की थी मगरों से जीतने के लिए, क्यों ना इस जाली को खींच करके इस वन में लगाते हुए चले और जब बानर आक्रमण करेंगे तो सेना इस क्षेत्र से जब तक निकल जाएगी, सेना को कोई बाधा नहीं आएगी। ये उपाय उन सभी वीरों की समझ में आया और वे उस वन क्षेत्र में एक कनात नुमा, एक तीक्ष्ण तारों से बनी हुई जालियां उस क्षेत्र में लगाने लगे और जालियों की सहायता से बानरों के झुंड तो आए, लेकिन ऊपर से जो जालियों के तार थे वो नुकीले थे, इसलिए बानर उन पर बैठते नहीं थे और जालियों से अंदर सेना पर कोई प्रहार नहीं करते। तो इस तरीके से संपूर्ण सेना उस बानर प्रदेश को पार कर जाती है। बानर प्रदेश को पार करने के बाद सेना ने दूसरे क्षेत्र पर, जो वन था उसके दूसरे सिरे पर, अपने तंबू डेरा डाल दिए, शिविर लगा दिए और अब महज कुछ दूरी पर ही हीरागढ़ था। परंतु उससे पहले एक और समस्या थी और वह समस्या थी कि हीरागढ़ एक नदी से रक्षित था और वह नदी ऐसी थी कि उसका पता केवल हीरागढ़ के राजा को ही था। हीरागढ़ के राजा ने संपूर्ण नौकाओं को हटवा दिया कि कोई नाव नहीं रहनी चाहिए इस पर, ताकि महोबा के वीर इस नदी को पार ना कर सके, क्योंकि बौना चोर ने हमारी पुत्री का सिक्का छीन लिया है और इसलिए तुम ये नौकाएं हटा दो। जितने भी मल्लाह थे उन्होंने नाव हटा दी और जो वहां उसमें एक पुल बना हुआ था, उस पुल की विशेषता थी कि उस पुल पर हमेशा 2 फुट पानी रहता था, बहुत विशालता लिए हुए उस पर पुल बनाया गया था, सेतु बनाया गया था, लेकिन सेतु पर हमेशा 2 फुट पानी बहता था और उसका पता केवल हीरागढ़ के ही लोगों को था। बड़े समस्या की बात महोबा के लोगों के सामने फिर आ गई। आला उदल विचार करने लगे कि बानरों से हमने रास्ता ले लिया अपनी बुद्धि से और पराक्रम से, मगरमच्छों से रास्ता ले लिया, रेतीला क्षेत्र भी पार कर दिया, परंतु इस पानी को कैसे पार किया जाए।
नदी बड़ी गहरी थी जिसमें संभावना नहीं थी निकल करके बच पाने की। यदि कोई निकलना भी चाहे तो उसमें बच नहीं सकता था। पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र था। नदी का वेग भी तीक्ष्ण तीव्र वेग था। बड़े तीव्र वेग से बहती हुई नदी जिसके ध्वनि को सुनकर के बड़े बड़े तैरने वालों के भी कलेजे कांप जाएं। इस तरीके से नदी प्रवाहित हो रही थी और वहां से महोबा की सेना को निकलना था। तो विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तंबू डेरा डाल दिए वहीं और नदी को पार करने का उपाय सोच रहे थे। बीराला कहने लगे, उदल तुम मलखान, ढेवा, जागन, ब्रह्मा, ये पांच वीर योद्धाओं के पास ऐसे अच्छी नस्ल के घोड़े हैं जो इस नदी को, तो क्या ऐसी 10 नदियों को एक साथ पार करने की क्षमता रखते हैं। छलांग लगाने में बड़े सक्षम थे, लंबी दूरी की छलांग लगा जाते थे और इसीलिए उन घोड़ों को उड़ने बछेड़ा कहा जाता था। तो तुम ऐसा करो, इस नदी से पांचों वीर निकल करके जाओ और इस नदी पर आगे जाकर के देखो कि कहीं कोई हीरागढ़ का व्यक्ति यदि इधर को आ रहा हो तो वो इस नदी से निकलने का मार्ग बताएगा, उसको पकड़ लाओ। ये बात सुनकर के बीराला, उदल, मलखान, ढेवा, ब्रह्माजीत ऐसे पांच वीर योद्धा उस नदी को पार कर गए। अपने अपने घोड़ाओं पर सवार होकर के घोड़ाओं से नदी को तो निकल गए। अब वहां खोज रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस नदी को हमें पार करा दे। किस्मत की बात, जब किस्मत सीधी होती है तो हर काम आसान होता है। एक बहुत गरीब मल्हा था और उस मल्हा के उस दिन भोजन नहीं बना। तो मल्हा विचार करने लगा कि कोई बात नहीं, महाराज ने तो मना कर दिया लेकिन मुझे तो अपनी जीविका कमानी है। आज मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, इसलिए मुझे नौका लेकर के नदी में चलना चाहिए। वह सीधा चला आ रहा है नदी की तरफ और इधर से महोबा के वीर चले जा रहे हैं हीरागढ़ की तरफ। मार्ग में वो मल्हा मिल गया। मल्हा को देख करके वीर उदल और मलखान ने पकड़ लिया। मल्हा कहने लगा कि देखिए भाई, तुम कौन हो लेकिन मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मैं तो एक गरीब मल्हा हूं। उदल कहने लगा, तुम गरीब मल्हा हो तो इधर क्यों आ रहे हो कि मैं नदी में, मेरे महाराज का आदेश है कि 6 माह तक इस नदी में कोई भी नौका नहीं चलेगी और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं, इसलिए मेरा दूसरी तरीके से गुजारा नहीं होगा। महाराज चाहे मुझे फांसी दें या मृत्यु दंड दें, मैं इस नदी में अपनी नौका को चलाने के लिए आया हूं। उदल कहने लगे, मल्हा तुम हमारे पास चलो, आज तुमको हम इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ करके भोजन कर सकती हैं। मल्हा कहने लगा, क्यों दोगे, उसकी वजह तो बताओ कि वहां हमारे महाराज बताएंगे। मल्हा को वीर उदल ने अपने घोड़े पर बैठा लिया और उसे लेकर के चल दिए और जहां आला की कचहरी थी उस कचहरी में ला करके छोड़ दिया। कहने लगे, महाराज आला से कि आला वीर देखो, ये एक मल्हा है और ये मल्हा इस नदी के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए तुम्हें इस मल्हा से जानकारी लेनी चाहिए, परंतु ये बहुत गरीब है, इसको हमें बहुत धन का लालच देना पड़ेगा और तब जाकर के ये कहीं कोई भेद बता पाएगा। आला कहने लगे, कोई बात नहीं है, यदि ऐसी ही बात है तो इसे 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दो, तब तो कुछ बताएगा। वीर उदल और मलखान ने उस मल्हा को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। मल्हा देख करके प्रसन्न हो गया, सोचने लगा अब तो मैं सम्राट बन जाऊंगा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मेरी 20 पीढ़ियों तक के लिए पर्याप्त हैं। कहने लगे मल्हा कि वीर तुम इन्हें किस वजह से दे रहे हो, कारण तो बताओ। कि मल्हा तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये नदी पार करने का उपाय बताना है कि हमारी संपूर्ण सेना 10 लाख की फौज इस नदी को पार कैसे करे। मल्हा विचार मग्न हो गया, कहने लगा कि तुम्हारी 10 लाख की फौज में नौका से तो पार नहीं करा सकता, परंतु मेरे पास एक उपाय है। कि क्या उपाय है बताओ। कि यहां से 3 किलोमीटर
पूरब की तरफ हीरागढ़ से 3 किलोमीटर दूर एक पुल बना हुआ है, परंतु वह पुल पानी में डूबा रहता है। उस पर 2 से 3 फुट पानी हमेशा बहता रहता है और वहां से तुम आसानी से निकल सकते हो। बहुत विशाल है, सेना की सेनाएं वहां से निकलती हैं। महाराज हीरागढ़ नरेश जब कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उसी मार्ग से जाते हैं सेना के साथ। ये बात सुनकर के उदल, मलखान और आला कहने लगे कि तुम्हें उस स्थान को हमें बताना चाहिए, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। महोबा की संपूर्ण फौज को लेकर के वह मलहा चल देता है और उस स्थान पर जहां पुल बना हुआ था उस स्थान पर महोबा की सेना को ले जाता है। महोबा की सेना, पानी तो वक्त बहुत कम था, उस स्थान से उस नदी को पार कर जाती है। मलहा कहने लगा उदल से कि महाराज यदि हमारे राजा को इस बात का पता चला कि मैंने आपको मार्ग बताया है तो मुझे मृत्युदंड देंगे, इसलिए आप शीघ्रता से मुझे हीरागढ़ की सीमा में छोड़ दें। जब तक हमारे महाराज त्रिखा सिंह को यह ज्ञात हो कि महोबा की सेना ने आक्रमण करने की तैयारी कर ली है और नदी को पार कर लिया है, उससे पहले आप मुझे हीरागढ़ छोड़ दें। वीर उदल ने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और हीरागढ़ के बहुत नजदीक ले जाकर के उस मल्ला को छोड़ दिया 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देकर के। मल्ला तो अपने घर चला जाता है और वीर आला अपनी सेना से बोले कि अब प्रस्थान करो और केवल हीरागढ़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सेना का पड़ाव डाल दो और फिर वहां से आगे का जो प्रोग्राम है हमारा, किस तरीके से युद्ध करना है और कैसे इस किले को जीतना है, वो सभी प्रक्रियाएं वहां से संचालित करते रहेंगे। वीर आला की बात सुनकर के महोबा की सभी फौजें हीरागढ़ की तरफ आगे बढ़ जाती हैं और हीरागढ़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने अपनी फौज का पड़ाव डाल दिया, सेनाएं रोक दी और तंबू डेरा लगाने लग गए। अब देखिए श्रोताओं, यहां से आगे बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है और उसको आप देखते रहिए। मैं आपको आलाखंड के इस समय कम वीडियो प्रसारित कर पा रहा हूं, परंतु अब आपको कोशिश करूंगा कि नियमित ये वीडियो प्रसारित करूं। अब यहां से आगे का वर्णन अगले वीडियो में लेकर के पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।